अल्टीमेट सुपर हीरोज बैटल के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे किल्विश अपनी पापी शक्तियों से फ्रीजा को नर्क से वापस ले आता है और कैसे फ्रीजा शहर में जाकर तबाही मचाना शुरू कर देता है। पुरानी यादें ताजा हो गई। लेकिन इसको रोकने के लिए शक्तिमान सामने आता है जो फ्रीजा को रोकने की नाकाम कोशिश करता है, लेकिन फ्रीजा को रोकने के लिए गोकू को आना पड़ता है। मैं पिछली हार का बदला तुम्हें खत्म करके लूंगा। तो आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए अल्टीमेट सुपर हीरोज बैटल का ये एपिसोड। अरे ये तो नागराज और डोगा है, पर ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ओह क्या बात है, मुझे नहीं पता था कि यहाँ इतना भयंकर युद्ध चल रहा होगा। उस सब वाले लड़के ने हमें इस बैटल के बारे में बताकर बहुत अच्छा काम किया। मैं वापस जाकर उसको एक टॉफी गिफ्ट करूँगा। क्या एक टॉफी? हाँ तुमने सही सुना। अरे इधर देखो, ये तो महान सुपर सैयन गॉड गोकू है। ये तुम क्या कह रहे हो, ये कैकरोट है? नहीं ये गोकू है। ये कैकरोट है? ये गोकू है। अरे गधे मैंने कहा ना ये कैकरोट है। गोकू है? कैकरोट है। क्या तुमने सुबह सुबह मेरे पिटारे से नशे की गोली चुरा कर खाई है? क्या दिखता नहीं ये गोकू है? तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा नागराज। मैं डोगा हूँ डोगा, और ये है कैकरोट, समझे? ठहरो। हे दोस्तों, तुम दोनों ही सही हो। इस महान सुपर सैयन गॉड का नाम गोकू है, लेकिन कई लोग इसे कैकरोट के नाम से भी जानते हैं। तो अब तुम दोनों लड़ना बंद करो। सॉरी शक्तिमान। अच्छा जो टोका आज मेरे हाथों से बच गया, वरना आज इसको इसकी खोई हुई नानी याद दिला देता। नागराज तुझे तो आज मैं एक ही पंच मार पाया। अगर आगे से तूने मेरे दिमाग का गजब इलाज किया तो तू तुझे नाक के बिल में वापस घुसा दूंगा जहाँ से तू आया है। तो गोकू, शायद तुम्हें नहीं पता कि इतने दिनों में मेरे शरीर को मेरी इस नई शक्तियों की आदत हो चुकी है और मैंने अपनी शक्तियों पर काबू पाना सीख लिया है। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस बार भी मेरा मुकाबला कर पाओगे? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मुझे ऐसा नहीं लगता फ्रीजा। हो सकता है कि तुम पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हो, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं कि मैंने भी कड़ी ट्रेनिंग करके बहुत सारी शक्तियाँ हासिल कर ली हैं, तो आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। क्या तुमको ऐसा लगता है? तो मरने के लिए तैयार हो जा। अरे बाप रे, इन दोनों में तो भयानक युद्ध चल रहा है और इनकी शक्तियाँ तो लाजवाब है। अगर इस दुनिया में इतने ज्यादा ताकतवर हीरोज और विलन्स हैं, तो हो सकता है कि भविष्य में मुझे इससे भी ज्यादा ताकतवर विलन्स का सामना करना पड़े, और इसके लिए मुझे अपनी शक्तियाँ बढ़ानी होगी। अगर मैंने अपनी शक्तियाँ नहीं बढ़ाई तो हो सकता है मुकाबला नहीं कर पाऊँ और फिर अंधेरे के पास नजर आ सकते हैं। ये नहीं हो सकता, तू अंधेरे के रास्ते में नहीं आ सकता गोकू। अंधेरा कायम है और कायम होकर ही रहेगा। लेकिन महामहिम, फ्रीजा इतनी आसानी से कैसे कमजोर पड़ सकता है? हमें कुछ करना ही होगा। हाँ तुमने सही कहा जेकॉल, अब वक्त आ गया है फ्रीजा को अंधेरे की ताकत देने का। क्या बात है, ऐसी ताकत तो मैंने कभी पहले महसूस नहीं की।
लगता है कि यह ताकत मुझे अंधेरों के सम्राट किलविश ने दी है। तो गोगो, मेरी इस नई ताकत के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? छह, पूछने से अच्छा इसे आजमा लिया जाए। लगता है इसकी ये नई ताकत बहुत ज्यादा ताकतवर है और हो सकता है कि मैं इसे अपने गॉड रूप में नहीं हरा पाऊं। शक्तिमान फ्रीजा की ये नई ताकत पहले से कई गुना बढ़ गई है और मैं इसे अपने गॉड रूप में भी नहीं हरा सकता। लेकिन गोकू, अगर इस फ्रीजा को रोका नहीं गया तो ये सब कुछ बर्बाद कर देगा। क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है? एक तरीका है शक्तिमान, जिससे हम फ्रीजा को हरा सकते हैं, लेकिन वो तरीका आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। वो कौन सा तरीका है गोकू, मुझे जल्दी बताओ, अभी बातों के लिए वक्त नहीं है। शक्तिमान, फ्रीजा पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है और इसको हराने के लिए हमें एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर योद्धा की जरूरत है, तो इसके लिए हम दोनों को अपने शरीर को फ्यूज करना होगा। लेकिन यह मुसीबत की बात यह है कि फ्यूज करना मुझे आता है, तुम्हें नहीं। ओ, तो ये बात है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही आसान है, तुम बस ऐसे ही खड़े रहो। तो शक्तिमान, क्या तुमने फ्यूजन वाली टेक्निक सीख ली? हाँ गोकू, मैंने तुम्हारी फ्यूजन वाली टेक्निक सीख ली है, तो चलो इसको शुरू करते हैं। तो ठीक है शक्तिमान, फ्यूजन शुरू करते हैं। जेकॉल, ये क्या हुआ? अभी तो वहाँ पर दो योद्धा थे, वो दोनों योद्धा मिलकर एक कैसे हो गए? हाँ बहार, महामहिम, ये काफी दिलचस्प है। मुझे नहीं पता था कि ये दोनों इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तकनीक को साइंटिफिक भाषा में फ्यूजन का नाम दिया गया है। इस तकनीक के जरिए इन दोनों की ताकत और काबिलियत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, जो शायद फ्रीजा के लिए अच्छा ना हो। कोई बात नहीं जेकॉल, हमने फ्रीजा को इतनी ज्यादा ताकत दे दी है कि अब ये नया योद्धा भी फ्रीजा को नहीं हरा सकता। या! इतनी एनर्जी, इतनी ताकत, वाव! मेरा लुक तो शानदार लग रहा है। तो गोकू और शक्तिमान एक हो गए, तो हमारा नाम क्या होना चाहिए? चलो सोचते हैं। अरे नहीं, हाँ ये ठीक रहेगा। नहीं, तो पहले भी सोचा था। हाँ ये ठीक है, ये तो मैंने सोच लिया था। हमारा नाम रहेगा गोकू शक्ति। ये कुछ खास नहीं लग रहा। तो शक्ति गोकू, ये भी कुछ खास नहीं लग रहा। तो गोकुमान, हाँ ये बिल्कुल सही है, हमारा नाम रहेगा गोकुमान। गोकुमान, गोकुमान, ये गोकुमान, गोकुमान। गोकुमान नाम तो अच्छा है, लेकिन तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे, क्योंकि तुमने खुद अपनी मौत को दावत दी है। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी फ्रीजा, तुम मुझसे यानी गोकुमान से कभी नहीं जीत पाओगे। और अब मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा, सारी जमीन, सारा आकाश, ये सारा यूनिवर्स आज देखेगा तुम्हें मेरे हाथों तबाह होते हुए। वाह, डायलॉग तो अच्छा है, मगर ये तुमको तुम्हारी मौत से नहीं बचा पाएगा। क्या हमारा फ्यूजन तो खत्म हो गया, लेकिन फ्यूजन तो 30 मिनट तक रहता है ना, ये आखिर हुआ कैसे? मुझे ऐसा लगता है गोकू कि हमारी पावर्स की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि हम दोनों की पावर्स काफी अलग अलग हैं। हाँ तुमने सही कहा शक्तिमान। तो बंदर तैयार हो जा, अब तू गया काम से। ये तो सैयंस का गुस्सेल राजकुमार प्रिंस विजीटा है। नागराज, तुम इसे सम्मान से बुलाओ, वो लॉर्ड विजीटा है। क्या, लॉर्ड विजीटा? हाँ, लॉर्ड विजीटा। लगता है महान डोगा पगला गया। अरे भाई, कोई तो डॉक्टर को बुलाओ और इसे लेकर जाओ।
तेरी इतनी हिम्मत? ओह, मर गया। थैंक्स वेजिटा। जरूरत नहीं। ये किसने किया? किसकी इतनी हिम्मत? तो ये बंदरों का राजकुमार वेजिटा है। अच्छा हुआ जो तू भी यहाँ मरने चला आया। शायद तुझे मरने की बहुत जल्दी है। मुझे याद है जब तूने मुझे पिछली बार तबाह कर दिया था, तो आज मैं उसका हिसाब तुझे भी खत्म करके लूंगा। और आज तुम दोनों बंदरों का खेल खत्म। ये कौन नामुराद है जो फ्रीजा के रास्ते में आ रहा है? महामहिम, ये सेलियंस का राजकुमार प्रिंस वेजिटा है, जो बहुत ही गुस्से वाला है। ये ताकत और फाइटिंग में गोकू के बराबर ही काबिलियत रखता है, लेकिन ये बात अलग है कि ये कभी गोकू को हरा नहीं पाया और ना ही कभी गोकू से आगे जा सका। तो ठीक है, देखते हैं ये फ्रीजा के सामने कितनी देर तक टिकता है। वेजिटा, शायद तुम्हें पता ना हो, लेकिन मैं पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। और अब तुझे समझ में आ जाएगा कि कभी किसी का न्योता नहीं ठुकराना चाहिए, जैसे कि तूने मेरा ठुकराया था। तो अब मरने के लिए तैयार हो जा। वो तो समय ही बताएगा फ्रीजा, लेकिन आज तुम किसी सैयन का खून नहीं पाओगे, क्योंकि तेरी मौत आज मेरे हाथों होने लगी है। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैं इस वक्त गॉड फॉर्म में हूँ, लेकिन फिर भी मेरा पंच इस पर कोई असर क्यों नहीं कर रहा? इसको इतनी ताकत आखिर कहाँ से मिली? कैकरॉट, तुम इस समय मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इसे मारने में मेरी मदद करो। लेकिन मुझे लगा वेजिटा कि तुम इसको अपने हाथों से खत्म करना चाहते हो, तो मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लो। क्या? मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी और तुम? अब छोड़ो अभी वेजिटा, चलो हम लोग मिलकर इस पे एक साथ हमला करते हैं। ओके, बस बस ठीक है। वैसे लाल लबादे में कौन खड़ा हुआ है? कौन है ये? ओ, तो तुम शक्तिमान की बात कर रहे हो। ये शक्तिमान है इंडिया का सबसे पहला सुपर हीरो और इसकी ताकत बेमिसाल है। शक्तिमान के पास योगिक शक्तियाँ हैं जो एक नॉर्मल इंसान को शक्तिमान बनाती है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि अब शक्तिमान हमारे साथ है। तुम दोनों की बकबक से मेरा सिर पकने लगा है, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अजीब बात है, इतना ज्यादा ताकतवर होने के बाद भी ये दोनों फ्रीजा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे। फिर से वही बच्चों वाली बेकार सी फाइट। वेजिटा, हमारे किसी भी हमले का इस पे कोई असर नहीं हो रहा है। अगर इसको हराना है तो हम दोनों को अपने शरीर को फ्यूज करना ही होगा, तभी कुछ हो सकता है मेरे दोस्त। गोगो, तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम जैसे जोकर के साथ फ्यूजन टेक्निक को यूज करूंगा? वेजिटा, अभी हमारे पास ये सब के लिए टाइम नहीं है। अगर हमने जल्दी फ्यूज नहीं किया तो ये शैतान सबको मार डालेगा, बुलमा को भी। क्या? इसलिए हमें जल्दी करना होगा। ठीक है कैकरॉट। वाओ, सो कूल। तो अब ये दोनों ने भी फ्यूजन कर लिया, पर ये लोग फ्रीजा के सामने नहीं टिक पाएंगे। ना ही मैं गोकू हूँ, ना ही मैं वेजिटा। कान खोल के सुन ले फ्रीजा, मेरा नाम है गोगिटा और मैं यहाँ तुझे वापस नर्क में भेजने आया हूँ। मैं तो डर गया। ले संभाल मेरा हमला। छोड़ूंगा नहीं।
फिर से अंधेरी को मात। मेरी काली शक्ति के होते हुए भी इन दोनों ने फ्रीजा को आसानी से हरा दिया, ये कैसे हो सकता है? ये दोनों हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर निकले। जेकॉल, पता लगाओ कि इन दोनों सैयंस को कौन हरा सकता है। ठीक है महामहिम। हाँ, मैं ये कौन सी जगह पे आ गया? ये टाइम मशीन मुझे ये कहाँ ले आई? अंधेरा कायम रहे, तू कौन है? तू यहाँ कैसे आ गया? क्या तुझे अपने जान से प्यार नहीं? हमारे इस अड्डे के बारे में कोई नहीं जानता, और कोई गलती से जान भी जाता है तो वो हमारे हाथों से जिंदा नहीं बचता। मेरा नाम डॉक्टर जीरो है और मैं यहाँ फ्यूचर से आया हूँ। डॉक्टर जीरो? हाँ, तुम्हारा यहाँ फ्यूचर से आने का कारण क्या है? दरअसल बात यह है कि मेरे समय में गोकू इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है कि उसने मेरे सभी एंड्रॉइड्स को तबाह कर डाला। तो मैंने अपनी मशीनों और उसके डीएनए की मदद से सेम गोकू की तरह एक एंड्रॉइड बनाया है जिसको हराना नामुमकिन है। बात यह है, इतना ज्यादा ताकतवर होने की वजह से वो मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया है और अब वो मुझे खत्म करना चाहता है। तो मैं अपने टाइम मशीन की सहायता से यहाँ आ गया। ओ, तो ये बात है। हाँ, अगर वो इतना ही ज्यादा ताकतवर है तो क्यों ना मैं उसके हाथों ही गोकू और शक्तिमान को खत्म करवा दूँ। डॉक्टर जीरो, तुम उस योद्धा का लोकेशन बताओ और उसको यहाँ लेकर आओ। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं उस गोकू के डुप्लीकेट से यहाँ बचकर आया हूँ और तुम इसको यहाँ लाने की बात कर रहे हो? ये मत भूलो डॉक्टर जीरो कि तुम इस वक्त गिलविस के अड्डे पर हो और यहाँ पर इतनी देर तक कोई जिंदा नहीं बचता। शुक्र करो कि तुम अब तक जिंदा हो। अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें मार के तुम्हारी आत्मा को अपना गुलाम बना लूंगा। फिर चलते रहना इस पाप की आग में। ठीक है, मैं अपनी इस टाइम मशीन को उस लोकेशन पर भेजता हूँ जहाँ वो इस समय तबाही कर रहा है। तुम गोकू के डुप्लीकेट, तुमने ये पूरा शहर तबाह कर डाला, मासूम लोगों को मार डाला। अब तुमको इसकी कीमत चुकानी होगी, हर उस इंसान के दर्द और आंसू की कीमत चुकानी होगी जो तुम्हारी वजह से उनको झेलना पड़ा। मच्छर की तरह काबिलियत रखने वाले, मैं तेरा भी हाल इन गंदी नाली के कीड़ों जैसा करूंगा। ये तो डॉक्टर गेरो की टाइम मशीन थी। मुझे इसकी वेव्स को कैच करना होगा और इसको पकड़ के खत्म करना होगा। ओ, तो ये बंदा है जो तबाही का भूखा है। अब इसकी भूख और भी बढ़ जाएगी। ये लो और ताकत। अंधेरा कायम रहेगा महामहिम। अंधेरा कायम रहेगा, कायम रहेगा। मेरे लिए क्या हुकुम है महामहिम? जाओ और खत्म कर दो गोकू और शक्तिमान को, मिटा दो उनका नाम धरती से। जैसी आपकी आज्ञा महामहिम। तुम दोनों सुपर सियंस वाकई में काफी ताकतवर योद्धाओं, लेकिन दोस्तों मुझे जाना होगा क्योंकि मैंने आज महसूस किया कि बुरे लोगों ने अपनी शक्तियाँ काफी बढ़ा ली है, जिसका सामना करने के लिए मुझे योग साधना से अपनी शक्तियाँ बढ़ानी होगी। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ। और हाँ गोकू, तब तक अल्टीमेट सुपर हीरो बैटल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है शक्तिमान, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबने देखा, गोकू और वेजिटा ने फ्यूजन करके फ्रीजा को नर्क में वापस भेज दिया। लेकिन अब एक बहुत ही खतरनाक विलन ब्लैक ईवल गोकू की एंट्री हो चुकी है और शक्तिमान भी अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए हिमालय जा चुका है। तो क्या गोकू और वेजिटा ब्लैक ईवल गोकू नाम की मुसीबत को रोक पाएंगे? क्या किलविश अपने इरादों में कामयाब हो पाएगा? क्या ब्लैक ईवल गोकू को रोकने के लिए कोई महान सुपर हीरो की जरूरत पड़ेगी? ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज। और देखना ना भूले अल्टीमेट सुपर हीरोज बैटल।